तुम टीनेज में हो या कॉलेज में हो तो तुम इस स्टेज में आने वाले हो, जिससे एक अच्छा डाइट प्लान बना पाए जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी फिजीक बनाने में। हाँ तो भाई क्यूडास, कैसे हो तुम लोग? और उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए। तो आज ये वीडियो काफ़ी हद तक टॉकिंग हेड शॉर्ट्स होने वाले हैं, हालांकि अभी हमें अपनी वेफल्स वाली मील भी बनानी है, तो वो भी हम अभी बनाएंगे बीचों बीच इसी में। तो बात यह है कि हमने तुमसे कुछ दिन पहले कहा था कि हम एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल को एक तरीके से कंसिडर करके तुम लोगों को वैल्यू ऐड करे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे बैचलर लाइफ में यानी कुंवारों के सरदार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हम तुम्हें ये चीज़ बताएं जो कि या तो तुम फेस कर रहे होगे, अगर मान के चलो तुम बैचलर लाइफ में हो तो तुम सेम सिचुएशन में हो गए होगे, अगर तुम टीनेज में हो या कॉलेज में हो तो तुम इस स्टेज में आने वाले हो। तो एनी हाउ ये वीडियो तुम्हारे काम में आनी ही आनी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली हमें ऐसा फील होता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज होते हैं बट और फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, और हम जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फिटनेस फ्रीक हैं बट वो फॉलो नहीं कर पाते हैं कि उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, वो है टाइम, या फिर आप जानते नहीं हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करें उसको, जिससे एक अच्छा डाइट प्लान बना पाएं या फिर उन रूल्स को फॉलो कर पाएं जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी फिजीक बनाने में। तो हम तो भाई 2.5 साल से ऐसे रह रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा इन 3 रूल्स ने हेल्प करी है। तो ये 3 रूल हैं बैचलर लाइफ के, कुकिंग रूल्स जिन्हें हम कहते हैं 3 कुकिंग रूल्स ऑफ बैचलर, और ये हम भाई पिछले 2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं ठीक है। तो अंग्रेजी में मत जाना। तो पहला सीन ये है कि हम बता दें कि इसमें हाँ कुछ चीज़ें तुम्हें लगेगा कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम उसका क्लैरिफिकेशन देंगे, गलत मत समझना, तो भाई पहले ही जान लो ठीक है। तो सबसे पहला जो कुकिंग रूल होता है, तुमने हमारी जितनी भी मील्स देखी होंगी, तुमने अगर हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग भी देखी होगी और जितनी भी मील्स हम शेयर करते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो मील 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती। तो पहला कुकिंग रूल यही होता है, इफ़ इट टेक्स मोर देन 20 मिनट्स वी डोंट कुक इट। तो मान के चलो इसको हम 20 मिनट्स क्यों कह रहे हैं कि सपोज आज तुम फ्री हो, आज तुमने कोई मील बना रहे हो, चलो तुम लहसुन बर्गर बना रहे हो ठीक है, कि तुमने बना दिया कि उसके भरमा पराठे बनाने, पनीर पराठा बनाना है या फिर वो तरीके का बर्गर बनाना है, अगर उसमें 20 मिनट से ज़्यादा लगेंगे तो तुम उसको आज बनाओगे, बट आज या कल जोश में बना लोगे, परसों जोश में बना लोगे, लेकिन चौथे दिन से वो आ जाएगा उस चीज़ में कि जानते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो वो सीन में क्या होगा कि तुम उसको फिर छोड़ दोगे, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। तो जितनी भी तुम हमारी मील्स देखोगे वो ऐसी मील्स होती हैं कि ईजी टू प्रिपेयर और बहुत जल्दी बन जाएं, मतलब कि बेसिकली हमारी जितनी भी मील्स हैं वो ऐसी हैं कि हम बस एयर फ्रायर पर रखें या फिर हमारे इंडक्शन पर रखें, उसको टाइमर लगाएं और भूल जाएं। और अधिकतर मील्स में तो 20 से ज़्यादा मिनट लगते ही नहीं हैं, चाहे वो फ्राई करने वाली हो, और ऐसी चीज़ें ही हम प्रेफर करते हैं, चाहे वेफल्स हों या फिर हमारा शेक हो या फिर दलिया वगैरह, जितनी भी मील्स हैं 20 मिनट से ज़्यादा भाई हम दे ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हमारा रूटीन, तो वो नहीं हो सकता ठीक है। तो ये पहला रूल है जो कि तुम्हें फॉलो करना है। तुम चाहो तो डाइट प्लान के लिए हमारी वीडियोस देख सकते हो, या फिर आने वाले दिनों में जो हम अपने प्लान शेयर करने वाले हैं, डाइट प्लान या मील्स शेयर करेंगे, तो वो तुम्हें ज़रूर एक आइडिया देंगी कि क्या हम खाते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं अपनी डाइट में। तो हाँ ये चीज़ है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 के साथ साथ हम थोड़ा सा काम भी कर लें अपना, क्योंकि वही चीज़ है भाई, टाइम नहीं है। तो तुम जानते हो आज संडे है, तो आज थोड़ा सा फ्री रहते हैं बट और दिन नहीं रह पाते क्योंकि और दिन वर्किंग डेज रहते हैं। तो तुम्हें पता होता है, एक क्या कहते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को पता होगा कि क्या सीन रहता है और दिन ठीक है। दूसरा रूल ये है, इफ़ यू कांट कुक टेस्टी फूड मेक योर कुक्ड फूड टेस्टी। तो थोड़ी सी लंबी इंग्लिश हो गई, तो इसका सिंपल सा जवाब ये होगा, हिंदी में बताएं क्या होगा कि मान के चलो अगर तुम खाना अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो बने हुए खाने को अच्छा बनाओ ठीक है। और इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर तुम खाना अच्छा ना बना पाओ तो बने हुए खाने को अच्छा बनाओ। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, तुम हमारी जितनी मील्स होती हैं, पहली चीज़ हमारी हर एक मील काफ़ी टेस्टी होती है, हम बिल्कुल उस चीज़ से बोर नहीं हो सकते, हमारी सभी मील्स यानी हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं और सस्टेनेबल होती हैं टेस्ट वाइज भी, तुम ये जानते हो ठीक है। तो उसमें ये सीन रहता है कि तुम ऐसी चीज़ें ऐड करो डाइट में, स्पेशली ऐसे रिसोर्सेज ऐड करो जो कि उसको टेस्टी बनाए। अब क्या क्या वो हो सकते हैं, अब जैसे कि तुम्हें पता है हम चिकन खा रहे हैं या फिर फिश खा रहे हैं, कितनी ज़्यादा थाली ऐसी बोरिंग चीज़ है या फिर बोरिंग चीज़ है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक तो हम उसको बनाने की जो प्रोसेस है, मतलब कि जो प्रक्रिया है बनाने की, उसे हम बॉइल्ड ना रख के एयर फ्राइड रखते हैं,
तो वो थोड़ा सा उसमें क्रिस्पी आता है, थोड़ा टेस्टी आता है, पहली चीज तो ये है। फिर उसके बाद तुमने देखा होगा टेस्ट के लिए हमने ये केचप ऐड किया, ठीक है, ये चीज है। अब जाहिर सी बात है भाई कि हम नॉर्मल केचप यूज नहीं कर सकते, तो ये कीटो केचप है। अगर ये एक या दो मंगा लोगे तो महीने भर आई थिंक इजीली चल जाती है। अभी तो खैर हमारी कम चलती है और उसका रीजन ये है कि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, हम इसको तीन टाइम ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तुम समझ रहे होगे तो ज्यादा होगा। वरना हम अभी तीन टाइम मीट खा रहे हैं या फिर नॉनवेज खा रहे हैं, वरना और टाइम तो हम दो बार ही रखते हैं जो कि लंच और डिनर ही होता है, ठीक है, ये चीज है। अब सपोज इसके साथ साथ हम क्या ऐड करते हैं, वे प्रोटीन होता है या फिर पीनट बटर होता है या फिर फ्रूट्स होते हैं, तो ये चीज क्या करती है कि तुम्हारे अगर अच्छा खाना नहीं भी बना है ना, तो उस बने हुए खाने को अच्छा बनाती है। तो ये बैचलर लाइफ का दूसरा रूल है, इफ यू कांट कुक टेस्टी फूड मेक योर कुक फूड टेस्टी, ठीक है। तो ये दूसरा रूल आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। तीसरा रूल हम बताते हैं। तीसरा रूल भाई ये ऐसा रूल है जो कि हम इसको मोस्ट सोफिस्टिकेटेड या फिर ऐसे कौन से वे में समझाएं जिससे तुम हमें गलत ना समझो, वो ये है कि देखो बैचलर लाइफ में क्या होता है कि एक एज में कि चलो तुम कमा रहे हो, शुरू किया, जैसे हम भी यहाँ 2.5 साल पहले आए थे तो ऐसी चीज़ें ऐसा नहीं था कि हम बहुत ही क्या कहते हैं पैसा लेकर आए थे, तो हमने तो भाई 2.5 साल से घर से तो एक घर थे क्या मतलब कि वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है घर से पैसा मांगने वाली चीज़। हमने पहले कमाना चालू कर दिया था अपने ऊपर से ही, और हम तो ये कोशिश करते हैं चलो घर पे देते रहो क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा तो हम खर्चा करेंगे, तो हम अपने पास रखते भी नहीं, हम उल्टा घर पे देते हैं, तो ये सीन हुई है। तो एक एज के बाद जब तुम्हारे पास इतने लायक हो जाते हो कि तुम रिसोर्सेज को अवेलेबल करा सकते हो, बट तुम जानते हो कि अगर तुमने कोई आया वगैरह लगाई तो तुम्हारी डिपेंडेंसी किसी दूसरे बंदे पे बढ़ रही है और तुम नहीं चाहोगे कि ह्यूमन एरर के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मशीन से, ठीक है, ये चीज़ तुम भी समझ ही रहोगे। तो पहली चीज़ ये है कि कोशिश ये करो कि जितने हो सके, जितना नहीं कहेंगे बट एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप तुम अपनी चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड करो। तो तुम हमारी जितनी भी क्या कहते हैं मील्स देखोगे, हमने गैस भी है हमारे घर में, हमारे पास चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है, बट हमने इंडक्शन प्रेफर किया है। इंडक्शन इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि इस पर टाइमर लग जाता है, हमें पता होता है टाइम, हमें हर किसी चीज़ का बेसिकली कुक करने का टाइम पता है कि चावल बनने में कितना टाइम लगता है, तुम्हारा राइस बनने, राइस और चावल लेके जो कि तुम्हारा दलिया बनने में कितना टाइम लगता है, हमें कितनी देर कोई चीज़ कितनी फ्राई करनी है, कितने टाइम के लिए फ्राई करनी है, इसका लिटरली हमारे पास टाइम पता है हमें कि इतने टेम्परेचर पर इतने टाइम पर ये चीज़ बन जाएगी। तो इससे होता क्या है कि तुम उस चीज़ को टाइमर लगाओ और भूल जाओ। थोड़ा तुम्हें सतर्क रहना पड़ता है इन चीज़ों को लेके जब तुम यूज़ कर रहे हो, बट मोस्टली चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी एक तरीके से फ्री करती हैं कि तुम उसको वहाँ रखे तुम उसको भूल जाओ। जैसे कि अभी हमारा एयर फ्रायर में चिकन बनना है तो हम यहाँ पे आके अपने बाकी की चीज़ें कर सकते हैं, तो हम उसको काम कंसिडर नहीं करेंगे या फिर वो हमारा टाइम बचाएगा, तो ये चीज़ है। और ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में तुम्हें सारी चीज़ें ले लेनी है या फिर हमें कॉपी करके तुम्हें वही चीज़ें लेनी है। तुम अपनी नीड देखो, तुम अपनी अपनी डाइट प्लान देखो, तुम अपने फूड सोर्सेज देखो, उसमें क्या क्या चीज़ें तुम ऐड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या क्या इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले हमने लिया था, सबसे पहले तो ये खैर इंडक्शन तो हम घर से लेकर आए थे भाई, इकलौती चीज़ थी जो शायद हम घर से लेकर आए थे। फिर इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने ली थी वो थी भाई वॉशिंग मशीन, क्योंकि खाली पीठ फूट जाती है भाई। पहली बार के जो कपड़े थे हमारे भाई वो सोफे भर के थे, और साला सोफा भरा हुआ कपड़ों से हमने जो है क्या कहते हैं, तब तो ये था सीन कि बैठ के धुलने, अब भाई हम बैठे हैं पहले तो ठीक है, फिर भाई पहली बार में जो कपड़े हमने धुले हैं हमारी साली, पहले तो वो जिस पे बैठे थे वो पिचक गया, मतलब कि वो गया, वो है ही नहीं साला, वो तो फेंक ही दिया हमने। और हमारी पीठ साली जिंदगी में भाई तब पहली बार पता चला कि उम्र हो गई, उम्रदार हो गए हैं, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है। तब दिक्कत ये थी कि कभी इतना बैठ कर रगड़ने की आदत हुई नहीं थी, बट अब है, अब तो खैर हम कपड़े धुल भी लेते हैं। लेकिन जब हमने सबसे पहली चीज़ पैसे इकट्ठे किए थे, जोड़े थे, वो उसमें हमने ली थी ये मशीन, वॉशिंग मशीन ली थी, हमने कहा सबसे पहली चीज़ यही है जिसकी हमें शायद सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अभी के लिए। फिर इसके बाद भाई चीज़ें हमने और धीरे धीरे ऐड की, फिर आई थिंक हमने शायद ये फ्रिज लिया था, ये तो खैर बेसिक नेसेसिटी में कहेंगे, या फिर हो सकता है तुम्हें ये पहले से हो, तुम्हारे पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। फ्रिज हमें आई थिंक अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता अगर हम नॉनवेज नहीं खा रहे होते, क्योंकि वो इसमें रखना ज़रूरी हो जाता है। बाकी आई थिंक बाकी जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट बताएं जो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, एक तो है ये तुम्हारा ग्राइंडर, तुमने देखा होगा हमारा ये वाला,
आई थिंक हमने कई फालतू खर्चे भी किए हैं सही बताएं तो, जैसे कि हमने वो वाला ग्राइंडर लिया था बड़ा वाला, तुमने शायद देखा हो ग्रीन कलर का वो मिक्सर ग्राइंडर साला, उसमें हमने पैसे बर्बाद किया था भाई, ठीक है। उसके बाद हमने ये रोटी मेकर भी लिया है, आटा मेकर भी लिया है, तो ये शुरू में हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। आई थिंक ये सस्टेनेबल चीज़ है, मतलब कि इसको अभी नहीं तो आगे जाके काम में आनी आनी है एज अ बैचलर। आटा मलना भी वैसे देखा जाए बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट अगर तुम अकेले रहते हो जैसे हम रहते हैं तो तुम उसको काम काम कंसिडर करोगे, तुम ये नहीं कह सकते कि भाई तू ये काम कर ले तू ये काम कर ले, हमें ही करना है भाई। इन दी एंड हम खुद को यही समझा रहे होते हैं करना तुम्हें ही है, हर चीज़ के लिए हम प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते, किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते, बल्कि क्योंकि इन दी एंड करना हमें ही है। तो ये सीन भी रहता है। फिर इसके बाद हमने कई चीज़ें ली जैसे कि एयर फ्रायर लिया, फिर ये ग्राइंडर तुम्हें बताया, फिर कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तुम मान के चलो एग बॉयलर हुआ, और क्या कहते हैं आई थिंक यही चीज़ें हमने शायद ऐड की हैं जो कि बेसिक चीज़ें ही हैं जो कि तुम्हारा टाइम बचाती हैं काफ़ी ज़्यादा, और हमें काफ़ी सही चीज़ें लगती हैं ये कि एटलीस्ट ये तुम्हें तुम्हारी लाइफस्टाइल को फॉलो करने दे रही हैं और तुम अपना पैशन भी फॉलो कर पा रहे हो और प्रोफेशन को भी रख पा रहे हो दोनों को एक तरीके से, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें। तो आई थिंक ये शेयर करना हमारा बनता था, और बस भाई यही सीन था। बाकी आई थिंक इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगी, और अगर तुम्हारे कुछ बैचलर लाइफ से या फिर कुंवारों के सरदार से कुछ सवाल हो भाई तो तुम नीचे कर सकते हो। आई थिंक पूरी वीडियो टॉकिंग हेड शॉर्ट ही हो जाएगी, हम बीच बीच में कुछ बी रोल्स भी डाल देंगे तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। बस भाई ये सीन है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं अपना वेफल्स, तो वेफल्स का सीन ये है कि तुम हो सकता है ये सवाल पूछ सकते हो कि हम क्या बाकी के दिन भी अपना प्रोटीन इंटेक सेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो आज जैसे कि रेस्ट है, पहले ये फोकस कर ले, हाँ अब कर लिया, तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है, ये पूछा भी जाता है एक्चुअली हमसे, यानी 2-3 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार नहीं, बट किसी किसी के दिमाग में सवाल आता है कि अंकित भाई अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं रेस्ट डे है तो क्या उस दिन भी प्रोटीन इंटेक सेम होना चाहिए कि नहीं। तो उसका सिंपल सा जवाब है, अगर तुम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो भी, या फिर तुम अगर पीक में हो, मतलब कि जैसे अभी हम कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं चीज़ों को, तो तब भी तुम्हारा डाइट सेम रहनी चाहिए, स्पेशली प्रोटीन इंटेक के साथ तो तुम बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। हाँ तुम कुछ चीज़ें कम कर सकते हो जैसे कार्ब्स वगैरह या फिर फैट्स को थोड़ा कम कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहे हो तो, अदरवाइज तुम्हारा प्रोटीन इंटेक सेम रखना है क्योंकि तुम्हारी मसल्स को तो वो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो रेस्ट डे हो, चाहे वो तुम्हारा वर्किंग डे हो, चाहे तुम वर्कआउट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो हाँ ये सवाल पूछा गया था तो हमें लगा आई थिंक कवर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी हेल्प करेगी, और आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और हाँ जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है तुम्हारा कॉमेंट, वो ज़रूर कर देना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है भाई, बाय बाय।